तो ये केक भी यहाँ पर $5 के हैं। यहाँ पर आप एक और चीज़ नोटिस करोगे जो आपकी और चीज़ सेविंग्स करा सकती है, तो इसलिए नोवो फ्रिंज चीप होता है बिकॉज उसका एक अपना ब्रांड है। सर ये बाइक किया है एंड हम देखते हैं कि बिल क्या बनता है। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल एंड आज हम लोग आ चुके हैं नो फ्रिल्स ग्रॉसरी के लिए। एंड चीपेस्ट स्टोर है यार कनाडा का सबसे ज़्यादा ग्रॉसरी में, इतनी अच्छी ग्रॉसरी मिलेगी आपको इतने कम पैसों में। एंड मैं प्रीफर करूँगा कि अगर आप स्टूडेंट आ रहे हो तो यहाँ से ग्रॉसरी करिए, बिकॉज जो भी आप बाहर से स्टोर से खरीदोगे वो आपको इसके बजाय बहुत डबल प्राइस में पड़ेगा। इंडियन ग्रॉसरी स्टोर से बहुत ही ज़्यादा महंगे पड़ेंगे अगर आप कंपेयर करोगे तो। तो आज इस वीडियो में आपको रीज़न भी बताऊंगा कि क्यों ये इतना चीपेस्ट होता है। तो चलो अंदर चलते हैं एंड देखते हैं क्या सामान है एंड क्यों ये इतना चीपेस्ट है। लेट्स गो। सर अभी हम लोग नो फ्रिल्स आ चुके हैं एंड कनाडा के ग्रॉसरी स्टोर्स की आपको एक बात पता नहीं होगी जो कि होती है कि कनाडा के ग्रॉसरी स्टोर में ना जो भी खाने पीने की चीज़ें होती है उसके पीछे जो होता है ना प्राइस लिखा नहीं होता कभी भी, ना कभी आगे लिखा होता है जैसे इंडिया में लिखा होता है। तो प्राइजेस लिखे होंगे यहाँ पर, जो शेल्फ होगी ना वहाँ पर प्राइस लिखा होगा या फिर कोई बार कोड बना होगा जिसको स्कैन करके आप उसको प्राइस पता कर सकते हो। सर यहाँ पर आप देख सकते हो जैसे कि चिप्स के भी प्राइस हो गए, वो भी बहुत नॉर्मल है जो कि $229 to $230 के आराम से है। यही चिप्स अगर मैं दूसरे ग्रॉसरी स्टोर से लेने जाऊंगा तो वो आराम से $3.5 के पड़ेंगे। सर नो फ्रिल्स ना एक्चुअली लो ब्लोस के अंदर आता है जो कि अमेरिका की सबसे बड़ी सप्लाई चेन है ग्रॉसरी की, इसलिए भी ये इतना चीपर पड़ जाता है। जैसे कि मतलब यहाँ पर ये लोग लेते हैं दूसरी कंपनी से होलसेल में एंड उस हिसाब से इनको इनकी बहुत सारे स्टोर्स है, इस ये जो दूसरी कंपनी के साथ होते हैं उनके साथ अच्छा कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं इसलिए इनको चीज़ें वहाँ से भी सस्ते मिलती हैं, ये आगे भी पास आउट चीप करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो यार यहाँ पर जो एप्पल का प्राइस है वो $299 to $249 के अराउंड है। एंड यहाँ पर ऑर्गेनिक का अलग सेक्शन होता है जो कि थोड़े से कॉस्टली होते हैं, बट ये भी जो है बाकी ग्रॉसरी स्टोर से जहाँ पर अगर आप दूसरे ग्रॉसरी स्टोर में जाओगे जैसे ओशंस हो गया या सोबीज हो गया वहाँ पर आपको ये $4 से कम नहीं मिलेंगे। सर नो फ्रिल्स का ना एक अपना ब्रांड होता है जो कि नो नेम नाम से होता है जो कि उससे भी ज़्यादा चीप होता है। जैसे मैंने ये ब्रांड लिया, इसकी ये वाली ब्रांड की अगर मैंने कोई गार्लिक ब्रेड ली तो मेरे को ये $4.50-$5 की पड़ेगी। अगर मैं नो नेम ब्रांड की लूँगा तो यहाँ पर लिखा हुआ जैसे कि $3.50 की पड़ेगी। तो इस मामले में बहुत सेविंग्स कराते हैं आपके जो भी नो फ्रिल्स होता है। एंड यहाँ पर आप देख सकते हो जैसे कि ये केक्स हो गया, तो ये केक्स भी यहाँ पर $5 के हैं। यहाँ पर जितने भी आपको अंदर केक्स दिख रहे हैं वो सारे $5 के ही मिलेंगे आपको, तो इस मामले में बहुत सेविंग्स कराते हैं। सर यहाँ पर अगर आपको एक और चीज़ बताऊँ तो ये जो ओट्स का एग्जांपल लेते हैं हम लोग, ओट्स जैसे यहाँ पर आपको दिख रहा होगा $299 का है। एंड इसका वेट भी अगर आप देखोगे तो यहाँ पर इसका वेट है 264 ग्राम जो कि $299 का है। अगर मैं नो नेम का ब्रांड का लूँगा जो कि यहाँ पर नीचे पड़े हुए हैं, तो जितने भी येलो पैकेट्स में होते हैं यहाँ पर सबसे नीचे पड़ा हुआ था ये लार्ज फ्लेक होता है। अगर मैं नॉर्मल ओट्स की बात करूँ तो यहाँ पर ये जो नॉर्मल ओट्स है नो नेम ब्रांड के वो 900 ग्राम आपको सिर्फ मिलेंगे $250 के, जो कि एज़ कम्पेयर टू दिस ओट्स इज़ वेरी चीपर। एंड 900 ग्राम एंड 300 ग्राम में बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है, तो इसलिए नोवो फ्रिंज चीप होता है बिकॉज उसका एक अपना ब्रांड है। सर यहाँ पर आप नो नेम का एक और चेक कर सकते हो प्रोडक्ट जो कि ये चॉकलेट है जो कि सिर्फ $1 की है। एंड यही सेम चॉकलेट अगर मैं लंदन में जाके देखूँ तो ये $350 की, वो भी आप अगर दो बाय करते हो, नहीं तो वैसे ये $4 की है। सो ये होती है फ़र्क यहाँ पर आ जाता है यहाँ पर ये नो नेम का एंड दूसरे ब्रांड्स का। सर यहाँ पर आप एक और चीज़ नोटिस करोगे जो आपकी और चीज़ सेविंग्स करा सकती है। यहाँ पर इन्होंने लिखा होता है जो लेबल्स होते हैं यहाँ पर लिखा है बाय टू और मोर $250 ईच, अगर आप एक दो से कम बाय करते हो तो आपको ये $3 की पड़ेगी। लाइक 50 सेंट्स आप पहुँचा रहे हो अगर आप ये दो चीज़ें लेके जाते हो। तो अगर आप होलसेल में ग्रॉसरी कर रहे हो तो यहाँ पर आपके बहुत पैसे बच सकते हैं। तो ये चीज़ सिर्फ नो फ्रिल्स में होती है और कोई ग्रॉसरी स्टोर में नहीं आती। सर यहाँ पर आप लोग जैसे देख सकते हो कि बनाना की भी प्राइस 59 LPS है, इससे कम प्राइस आपको कहीं पर भी मिलेगा कोई बनाने का। एंड यहाँ पर आप अगर पके हुए बनाना लेते हो तो वहाँ पर भी आप 50% ऑफ है ये बनाना, बिकॉज ये थोड़े ज़्यादा पके हुए ना, अगर आपको लगता है कि आप इसको जल्दी यूज़ कर सकते हो तो आप और भी ज़्यादा सेविंग कर सकते हो। तो यार एक और डिस्काउंट का आप देख सकते हैं यहाँ पर लगा हुआ है कि PC ऑप्टिमम करके एक ऐप होता है जो कि लिंक्ड है नो फ्रिल्स से, जो भी उसमें ऑफर चल रहा होगा आप उस चीज़ प्रोडक्ट्स को बाय करते हो एंड आपको उसके पॉइंट्स मिलेंगे। वो पॉइंट्स आप जैसे आपके 5000 पॉइंट्स होते हैं तो आपको $5 ऑफ मिलेगा एंड 10,000 पॉइंट्स होते हैं तो $10 ऑफ मिलेगा। तो वो ऐप आप डाउनलोड कर सकते हो एंड उससे आप बहुत सारी सेविंग्स कर सकते हो। सर ये बाय किया है एंड अब देखते हैं कि बिल क्या बनता है एंड कंपेयर भी करा दूंगा कि क्या बिल बन रहा है दूसरे ग्रॉसरी स्टोर्स के अकॉर्डिंगली। इसके मेरे अराउंड $60 के अराउंड बनेगा इसका बिल
एंड लेट्स गो एंड लेट्स सी क्या बनता है। तो यार अभी आ चुके हम लोग अपने घर एंड आप देख सकते हो स्क्रीन में कि मेरा बिल अराउंड कुछ $80-$82 बना, जो कि बहुत ही नॉर्मल है। एंड ये बिल अगर मैं कहीं और से बाय करता इतनी सारी चीज़ें, तो मुझे नहीं लगता मेरा $82 बिल बनता, अराउंड $150 चले जाता यही। एंड आप एक और चीज़ नोटिस करोगे यहाँ पर कि मेरा जो पॉइंट्स है वो भी मुझे मिले, जो कि मैंने कुकुम्बर्स बाय किए एंड मेरे कुकीज़ पॉइंट्स किए बाय किए। तो ये पॉइंट्स जब आप इसी ऑप्टिमम कार्ड लोगे तो उसमें आपके स्कैन कराने के बाद आपके ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएंगे। एंड अब इस पॉइंट्स के जब 5000 हो जाएंगे, जब आपके पास 10,000 पॉइंट्स हो जाएंगे, आपको $5 या $10 ऑफ मिलेगा पूरे बिल पे, जो कि बहुत ही अच्छा सेविंग ऑप्शन है। एंड आप ये जो पॉइंट्स कार्ड की मैं बात कर रहा हूँ, स्पीसी ऑप्टिमम, वो कोई भी गैस स्टेशन या नोफिल से बाय कर सकते हो इसको। सो यार यही थी आज की वीडियो। एंड अगर आपको वीडियो अगर थोड़ी सी भी इन्फॉर्मेटिव लगी हो ना, तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना यार, क्योंकि आप ही के साथ आया था, आप ही का साथ दे रहा हूँ। जितने भी छोटे एक्सपीरियंस होते हैं, जहाँ से भी आपकी हेल्प हो सकती है वो करने की कोशिश करता हूँ मैं, बिकॉज मेरे को आए हुए अब ऑलमोस्ट 1 ईयर हो चुका है, इसलिए मैं जितनी भी चीज़ें होती है आपके साथ शेयर करता हूँ एंड आपकी हेल्प हो जाएगी उसमें थोड़े से वे में। एंड मुझे भी लाइक अच्छा लगता है शेयर करने में। सो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ एंड लाइक कर देना यार वीडियो को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।